गुरु टू से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज देखिए ये ग्रीन वाला बैंगन है, ये बैंगन लाए हम, इससे हम एक स्टार्टर बनाएंगे, क्रिस्पी बैंगन, जो कि हम खाने के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो हमने इस तरह से दो बैंगन लिए थे, इससे थोड़ा छोटा है जो हमने देखिए इस तरह वॉश करके अच्छी तरह स्लाइस कर लिए राउंड राउंड। तो चलिए अब आगे का शुरू करते हैं। इनके ऊपर हमने मसाले डाल देने, नमक, कश्मीरी मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी और ये हमारा चाट मसाला है। ये हमने फटाफट कर लेना है ताकि बैंगन ज्यादा देर रखने से काले पड़ जाते हैं। तो हम इसे अच्छी तरह कोट कर लेते हैं और एक 5-10 मिनट रेस्ट करने देते हैं। बस इस तरह से हमने बैंगन रख देने हैं 1-2 से 3 मिनट तक एक तरफ से बनने के लिए। देखिए कितने बढ़िया हो गए रोस्ट, आप देख सकते हैं बहुत कम ऑयल में एकदम बढ़िया क्रिस्प हो गए और इसका कलर भी बहुत बढ़िया हो गया, जैसे ग्रिल हो जाते हैं। अब हम इसे एक हमारे बटर पेपर पे निकाल लेते हैं और दूसरे भी बना लेते हैं सर। 5 मिनट रेस्ट करने दिए। अब हमने राइस का आटा लिया है, चावल का आटा, इसके अंदर ये कश्मीरी मिर्च मिक्स कर रहे हैं और हमने थोड़ा सा नमक रखा है साइड में, ये हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो अब हमने क्या करना है, ये हमने ऊपर फ्राई पैन भी चढ़ा दिया गैस पर, उसमें ऑयल भी डाल दिया है। अब हमने गैस को कर देना है थोड़ा सिम और एक एक बैंगन को इस तरह से कोट कर लेना है, बिल्कुल कोट करके इसमें छोड़ते जाना है। हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे, शैलो फ्राई कर रहे हैं ताकि ये ज्यादा ऑयली भी नहीं लगेगा और क्रिस्प भी हो जाएगा। चाहे तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए हमारे झटपट क्रिस्पी बैंगन बनके तैयार हो गए हैं। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं रोटी सब्जी के साथ, खाने के साथ, या फिर ऐसे ही खा सकते हैं स्टार्टर की तरह। तो ये लग रहे हैं ना बिल्कुल जैसे कि फ्रिश फिश फ्राई की होती, जो नॉनवेज नहीं खाते वो इस तरह से एंजॉय कर सकते, इसका मजा ले सकते। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं, झटपट बन जाते हैं। तो कभी कभी खाने के साथ इस तरह से बना के खाइए, एंजॉय कीजिए। आपको बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए ऐसी ही हेल्दी रेसिपी के साथ आपको मिलती है नेहा मल्होत्रा। धन्यवाद।